दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। वर्ल्ड हेल्थ डे पर डॉक्टरों ने यातायात पुलिस को सिखाए सड़क सुरक्षा के गुर। वर्ल्ड हेल्थ डे पर इंडिया गेट पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जहां डॉक्टरों की टीम ने यातायात पुलिस के कर्मियों को प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग दी, वहीं वहां पर घूमने आए कई आम नागरिकों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नई दिल्ली राजधानी में यातायात पुलिस ने वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर रविवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम इंडिया गेट पर आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टरों की टीम ने यातायात पुलिस को सड़क दुर्घटनाओं में किस तरह से प्राथमिक उपचार दिया जाए इसके बारे में बताया। और कार इसके नाक के पास, बहुत बढ़िया। ऐसे आपको 10 सेकंड तक देखना है, चाहे इसका कोई मूवमेंट है या नहीं है, इसको बोलते हैं रेगुलेशन एंट्री। अगर ये सांस नहीं ले रहा है तो दो बार हम इसको आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से सांस देंगे। सांस देने के लिए करना क्या, नाक को बंद करना है, माउथ को ओपन करना है। कोई कपड़ा अगर आपके पास है तो रख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे सकते हैं इसको। अच्छा बंद हो चुका हो उसके ऊपर हम यूज करते हैं CPR। जो जिंदा व्यक्ति है उसके ऊपर इसको नहीं। आम नागरिकों ने भी लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। डॉक्टरों की टीम ने लोगों को विस्तार से समझाया कि सड़क दुर्घटना होने के दौरान अगर किसी को खून निकलता है तो जल्द से जल्द पहले चोटिल हुए स्थान पर रुमाल बांधे और उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाए। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको पंपिंग दी जाए। किसी में भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। तो जब तक आपके पास हेल्प कोई भी पहुंचते हैं तब तक तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और ये इसके लिए आपको अब ये देखिए अमित कुमार बता रहे साथी को। अभी मैं आपको बता दूं, दोबारा घर में किसी को या आस पड़ोस में किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो अगर हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट बंद हो गया तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।